एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के 10:30 होने वाले हैं, तो मैं भी कॉलेज आ रही हूँ। तो आज का व्लॉग पूरा ऐसे मतलब कॉलेज से रिलेटेड रहेगा, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये मेरी फ्रेंड शबनम है। तो अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, अभी हमारी एक क्लास है, तो हमें कुछ असाइनमेंट सबमिट करानी है। बाकी मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है शिमला में। आज रोड में सिर्फ हम दो ही है, बाकी पीछे भी कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं है। बाकी अभी हमारी क्लास में हम चार ही गर्ल्स आई और मैम भी नहीं आया अभी, तो हम फिर बाहर घूम रहे हैं ग्राउंड में। बाकी ऐसे नीचे रोड दिखाते हैं, यहाँ से नीचे रोड है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं हमारी आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं दे रही। तो अभी हम सारे रूम्स देखते हैं कि आया नहीं आया, मैक्सिमम रूम्स खाली है, कोई आया ही नहीं आज। इधर तो रूम में लॉक लगा हुआ है, मौसम की वजह से भी नहीं है। बाकी आज सुबह पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद बारिश रुक गई थी, फिर और ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब मौसम का कुछ पता ही नहीं है। शिमला के मौसम का तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, कभी बारिश लगती है कभी सही हो जाता है। बाकी अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग गई है, यहाँ से ऊपर दिखाई देगा। जब यहाँ से ऊपर मैम आएंगे तब हम फटाफट अंदर क्लास में भाग देंगे। हम कैंटीन में जाते हैं, देखते जरा कैंटीन में कुछ बना है या कोई है कैंटीन में। थोड़े बहुत बच्चे हैं कैंटीन में बैठे हुए, बाकी अभी हम नहीं जा रहे कैंटीन में, अभी बाद में जाएंगे। मैम क्लास में तो आए नहीं, तो मैम को ढूंढते ढूंढते हम मैम के डिपार्टमेंट के पास आ गए, पर मैम के डिपार्टमेंट में लॉक लगा हुआ है। अब हम क्या करें, हम असाइनमेंट कैसे दें, आज हम स्पेशल असाइनमेंट देने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, अब वापस ही जाना पड़ेगा। तो हम फिर से क्लास में जा रहे हैं क्योंकि मैम आ नहीं रहे क्लास में, आज टीचर्स की मीटिंग है। तो मैम ने हमको बोला अटेंडेंस मार्क कर दो और फिर मेरे को भेज देना। अभी हम क्लास में जा रहे हैं, बाकी बताते हैं। मैम क्लास में नहीं आएंगे, अटेंडेंस मार्क कर दो। हमारी क्लास तो लगी नहीं, बट हमने अटेंडेंस लगा दी। अब शबनम तो जा रही है अपने घर वापस, बाकी मेरी बाकी भी मेरी मैथ्स की क्लास है, तो भी मैं मैथ्स की क्लास लगाने जाऊंगी। अभी हम मैथ्स रूम के बाहर आए हुए, यहाँ पीछे मैथ्स रूम है, तो अभी यहाँ पर डोर बंद है, पता नहीं दूसरी क्लास लगी होगी शायद अभी कोई, और हवा चली है यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज। ये मेरी फ्रेंड शालू है। Hi. तो अभी हम मैथ्स रूम में आ गए, अभी हमारी मैथ्स की क्लास होगी। अभी फिलहाल तो कोई नहीं आया, हम दो ही हैं, बाकी पूरा रूम खाली है। तो अब हमारी क्लास ओवर हो चुकी है, तो अभी हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। बाकी हम उधर जहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं वहाँ पर तो नहीं बैठे, हम टीचर्स जोन में बैठे हैं इसलिए हम थोड़ा बोल पा रहे, नहीं तो उधर तो बिल्कुल शोर अलग नहीं है। ये वाले सोफा लगे तो यहाँ पे गरम गरम के, हाँ यहाँ पर सोफाज लगे, उधर तो नॉर्मल चेयर और टेबल लगे हुए, तो फिर यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ रहे और गरम भी, यानी तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा थक गया, तो हमने बाहर आए अभी, और बाहर आके क्या देखा, बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल।
पता नहीं कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो रही कि नहीं हो रही, बट मेरी जैकेट में दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। बाकी अभी हम यहाँ पर बैठे हुए और बढ़िया व्यू इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारी क्लास को 10 मिनट्स के साथ 10 मिनट्स के बाद हमारी मैथ्स की क्लास। तो यहाँ पर सारे बेंचेस रखे हुए हैं बाहर और हम यहाँ पर बैठे हुए दोनों और बढ़िया व्यू इंजॉय कर रहे हैं। इधर बजे तक सारे में बेंचेस ही बेंचेस हैं। और ठंड काफी ज्यादा हो गई, अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बर्फ लगी हुई थी बट अब तो रुक गई, पर ठंड बहुत ज्यादा हो गई। मैं आ गया अभी, हमारी और क्लास है तो रूम खाली था, हमने सोचा फिर क्लास में बैठ जाते हैं क्योंकि क्लास लाइब्रेरी से भी ज्यादा गर्म है। हाँ। क्योंकि ये सबसे पुरानी वाली बिल्डिंग है, मतलब कड़ वाली है ऐसे। तो हमारी क्लास ओवर होगी और इस टाइम कॉलेज में कोई नहीं दिखाई देता। ठंड लग रही है, तेज चली गई।